नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी कुंभ राशि के दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको खुश रखे, ईश्वर से प्रार्थना है। कुंभ राशि 5 नवंबर 2019 क्या कहते हैं सितारे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। और अगर आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई अन्य शुभ पर्व है, शुभ दिन है जो खास है, तो आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी वाले निशान के बटन को भी दबाएं और जुड़ जाए चैनल के साथ। तो चलिए शुभारंभ करते हैं 5 नवंबर 2019 के राशिफल की कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए। चंद्रमा आज मकर राशि में गोचर करने वाले हैं, अर्थात 12वें भाव में। आज का दिन कुछ मामलों में सावधानी रखने का होगा, कुछ मामलों में आपको काफी लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज कोशिश करें कि गलतियां ना हो तो बेहतर है, और अगर गलतियां करते हैं तो कम से कम करने की कोशिश करिएगा, थोड़ी जागरूकता बनाकर रखिएगा काम को करने से पहले। आज आप पैसों को खर्च करते वक्त सोचेंगे नहीं और खर्च करते चले जाएंगे, और बाद में पछतावा हो सकता है कि क्यों कर दिए, किसी ने रोका क्यों नहीं, पैसे खर्च हो गए, अब तो जेब खाली हो गई। यानी खर्च करते समय मज़ा आएगा, लेकिन जब बिल आएगा तो बहुत दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखें, अपने हाथ जरूरत से ज़्यादा ना खोलें, अपनी जेब को देखते हुए खर्चा करें तो बेहतर होगा, और बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। उस समय पे सिर्फ आप दुखी होंगे, पछतावा होगा और कुछ नहीं होगा। तो पहले से ही सावधान हो जाएं, किसी भी काम को करने से पहले योजना बना लें, पूरी तैयारी कर लें, तभी उस काम को करने की कोशिश करिएगा। आप उन्हीं कामों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें जो काम आप कर सकते हैं आज के दिनों में। आप वही काम करने की कोशिश करिए जो काम आपको आता है। आप एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, आप किसी को झूठा आश्वासन मत दीजिएगा कि हाँ हाँ ये काम भी मैं कर दूंगा, ये काम भी मैं कर दूंगी। यानी कि आज आप किसी को धोखे में मत रखिएगा, आप वही काम अपने कंधों पर लीजिए जो आपको आता है, जो आप कर सकते हैं। लोगों को झूठा आश्वासन मत दीजिएगा। आपके झूठे आश्वासन देने के चक्कर में मैं बताता हूँ होगा क्या, नंबर एक तो आपकी छवि खराब होगी, नंबर दो आपको मानसिक चिंता होगी, आपको एक के बाद एक झूठ बोलने पड़ेंगे, नंबर तीन लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सोच विचार कर धैर्यपूर्वक फैसले लेंगे तो समय अच्छा हो सकता है। आज प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन के लिए आप वक्त निकाल पाएंगे या निकाल पाएंगी, तो कुछ टाइम आप प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन के लिए आज आप निकाल पाएंगे, इधर उधर के व्यस्तता के बाद भी। आज आपका मन उलझा उलझा परेशान रह सकता है। आज आपको आपका जीवन साथी कोई अच्छी खबर सुना सकता है, अच्छा सपोर्ट कर सकता है आपका, आपको थोड़ा सा साहस बंधवा सकता है। और आपका अगर कहीं प्रेम संबंध चल रहा है तो आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चंद्रमा मन के कारक हैं, इसलिए मन में बुरे विचार, नकारात्मक विचार दे सकते हैं। आज आप उल्टी सीधी बातें सोच सकते हैं या व्यर्थ की काल्पनिक बातों में अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, या जिस चीज का आज समय नहीं है उसके बारे में सोचें और वक्त को बर्बाद करें, ऐसा कुछ हो सकता है। यानी कि बेफजूल की इधर उधर की बातें जो आज जरूरी नहीं है उसको सोचकर वक्त को बर्बाद करना या टालने का प्रयास करेंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे आप नुकसान की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा जब 12वें भाव में होते हैं तो पैसों का नुकसान तो कराते ही हैं, मन का नुकसान भी कराते हैं, वक्त का नुकसान भी कराते हैं, आपकी भावनाओं का नुकसान भी कराते हैं, रिश्तों में दरार कर पैदा करके रिश्तों का नुकसान भी कराते हैं। पैसे को सिर्फ नोट से या मुद्रा से कंपेयर मत करिएगा, नुकसान बहुत चीज़ों का होता है, जैसे मन का नुकसान होना जो मैंने आपको बताया। तो सिर्फ पैसों से नुकसान नहीं होगा बल्कि परेशानी होना, मन चिंतित होना, ये भी एक प्रकार का नुकसान ही होता है। तो थोड़ा सावधानी रखते हुए कुंभ राशि वाले आज के दिन को बिताएंगे तो बढ़िया हो सकता है सब कुछ। आज आपकी सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, थोड़ी सर्दी खांसी, सर्दी जुकाम, मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, आंखों में तकलीफ हो सकती है, आप सावधान रहिएगा इस बदलते मौसम में। और थोड़ा पॉल्यूशन का मामला भी चल रहा है, सांस की प्रॉब्लम है, तो और सावधानी रखिएगा। आप रोगी और क्रोधी और कंगाल हो सकते हैं, तीन शब्द याद रखिएगा, रोगी शरीर खराब हो सकता है, क्रोध हो सकता है और कंगाल हो सकते हैं अगर सावधानी नहीं रखी तो। आप लोगों के बीच घुल मिल नहीं पाएंगे जिस कारण लोग
आपको अपने से अलग समझेंगे, आप लोगों के बीच में उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे और अकेले में वक्त बिताना पसंद करेंगे, सोच विचार में डूबे रह सकते हैं। आप एक तरफ योजनाएं बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे और फिर उसी प्लानिंग में कमियां निकालकर अपनी ही बनाई हुई प्लानिंग को फेल कर देंगे और उसको छोड़ देंगे। आप काम को अधूरा छोड़ देंगे, काम को पूरा नहीं करेंगे और वक्त और पैसा दोनों बर्बाद करेंगे। मन की बात मन में रखेंगे और किसी को कहेंगे नहीं, इस वजह से कोई आपको समझ नहीं पाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहती हैं। आपकी वाणी में क्रोध झलकेगा, आप रिश्तों को लेकर विचार करेंगे, आप अपने पार्टनर प्रेमी या जीवन साथी को धोखा देने की भी सोच सकते हैं, कोई बात उसे छुपा सकते हैं, जो बात आपको शेयर करनी चाहिए उस बातों को छुपा कर आप उनको व्यवसाय से संबंधित मामलों में धोखा दे सकते हैं, रिश्तों के मामले में धोखा दे सकते हैं। हो सकता है आज आप कहीं अपना दिल लगाने के लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढने का प्रयास करें, आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरा जो आज का बुरा वक्त है, जो मुझे क्रोध आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, मेरे को कामयाबी नहीं मिल रही है, इसके लिए मुझे किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर थोड़ा सुकून मिल जाए। और ये जगह कौन सी होती है आप जानते हैं, ऐसी जगहों पर जाकर पैसा और बर्बाद होगा, मन और परेशान होगा, कुछ क्षण का सुख मिलेगा लेकिन बाद में बहुत तकलीफ होगी। तो ऐसी गलती मत करिएगा, अपनों के बीच में रहिएगा, अपनों से बातें शेयर करिएगा, अपनी परेशानी बताइएगा, अच्छा और बढ़िया समाधान आपको आपके अपने ही देंगे और आपको परेशानियों से मुक्त करा देंगे। आपको आज आलस हो सकता है, आलस के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं, आपको क्रोध पर तो कंट्रोल करना ही होगा, अपने कदमों को रोकना होगा गलत रास्ते की तरफ जाने पर, आप अपनी जेब को देखते हुए आपको खर्चे करने होंगे। विदेश जाने का शुभ समाचार मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है, विदेश संबंधी कोई बढ़िया खबर आपको मिल सकती है, ये आपके लिए बढ़िया होगा। अगर आपको विदेश जाने का मौका मिलता है तो आज आप उसको स्वीकार कर लें, बढ़िया होगा और आपको भविष्य में इसका लाभ भी मिलेगा। परिवार में झगड़े या कलेश हो सकता है, धन हानि हो सकती है, खर्चों को लेकर आप परेशान रहेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके शत्रु अधिक हो सकते हैं, समाज में कोई आपको अपमानित कर सकता है, आप पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे आपने कोई काम किया गलत कर दिया तो आपको बोल दिया जाएगा इस काम को दोबारा मत करना, ये काम जब तक मैं ना कहूँ तब तक मत करना, जैसे बच्चों पर बड़े प्रतिबंध लगाते हैं कि टीवी मत देखना, ये मत देखना, वो मत करना, मोटरसाइकिल मत चलाना, गाड़ी मत चलाना, इसी तरीके के छोटे बड़े प्रतिबंध आपके घर और ऑफिस में आप पे लगाए जा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि गलती मत करिएगा, बिना गलती किए हुए भी आप सजा पा सकते हैं, वक्त ख़राब है थोड़ा सा, यानी कि कुछ कामों की गलती आपने नहीं की होगी उसके विपरीत भी आपको कोई सजा मिल सकती है। और आप अपने काम को ठीक से करें, नाप तौल कर करें तो बढ़िया रहेगा, यात्राएं संभल कर करें नहीं तो हानि हो सकती है, बाहरी तला बुला भोजन बिल्कुल भी ना करें, आप अपने माता पिता की धन दौलत को खराब ना करें, संभाल कर रखें, आंखों संबंधी परेशानी हो सकती है, मौसमी बीमारियाँ हो सकती हैं, इन सबसे बचना होगा। लेकिन इसके विपरीत ये सारी चीज़ों से आप मुक्ति पा सकते हैं, इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि आज के दिन देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन भी हो रहा है, गुरु बृहस्पति आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ी सावधानी थोड़ी सतर्कता रखेंगे तो समय अच्छा भी हो जाएगा। ये नुकसान ये सारा कुछ पता है किनके लिए है, ये नुकसान ये सारा कुछ उनके लिए है जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत कमजोर होगी, यानी जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, चंद्रमा बहुत वीक होंगे, चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होगी, चंद्रमा पीड़ित होंगे, पाप ग्रहों से दृष्ट होंगे या बुरे योग बन रहे होंगे, उनकी कुंडली में ऐसे अशुभ समाचार देखने को मिल सकते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी तो वहाँ पर परिणाम बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेंगे, और जो लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे, जो मैं उपाय बताने वाला हूँ उन उपायों को करेंगे तो आपके लिए स्थिति बहुत बढ़िया हो सकती है। तो चलिए पहले तो अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख लीजिए, नहीं पता है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली की विवेचना जरूर कराएं। अब बात करते हैं उपायों की। देखिए आज आप सुबह उठते ही गायत्री मंत्र का पाठ करें, नंबर एक। नंबर दो, आपको क्या करना है, हनुमान आराधना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। नंबर तीन, ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करना है। आप कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं, पहले ओम नमः शिवाय कर लें, बाद में गायत्री मंत्र पढ़ लें, बाद में हनुमान चालीसा पढ़ लें, क्रम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नंबर चार, आज आपको क्या करना है, आज आप पीले रंग का टीका लगाकर चलें, पीले रंग का टीका माथे पर लगाकर चलें, आपके पास केसर है उसका टीका लगा लें, चंदन है पीला उसका टीका लगा लें, कुछ नहीं है तो हल्दी का टीका लगा लें, हल्दी हर घर में अवेलेबल होती है, खाने में यूज होती है, और फिर
आपको बहुत लाभ होगा, इतना कर लीजिएगा। आज दिन की शुरुआत जब भी करें अपने बड़े बुजुर्ग घर के जो माता पिता हैं या दादा दादी रहते हैं, नाना नानी रहते हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग आपके आसपास रहते हैं या आपके साथ रहते हैं, उनके आशीर्वाद से करें, बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर इतने छोटे छोटे से काम कर लीजिएगा, कुंभ राशि वालों के लिए ये कठिन समय भी शानदार बन जाएगा। कठिन समय है लेकिन शानदार बनाने का मौका भी आपके ही पास है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो आधा देखते हैं, बीच बीच में देखा फिर आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया। अब मान लीजिए ये जो मैंने आपको बचने के तरीके बताए, इसको आपने नहीं देखा और आगे का देख लिया तो आप तो घबरा जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है वीडियो पूरा देखिए ताकि हर बात समझ में आ सके। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, ऐसे ही रोज देखते रहिए, और कोई सुझाव हो तो वो भी देते रहिए। हरिओम, नमस्कार, खुश रहिए।